जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं खनहना क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ पे हजार से ज्यादा ट्रेलर गाड़ियाँ मौजूद हैं और यहाँ पे कोई भी प्रशासनिक अमला, ना कोई अधिकारी, ना तो कोई आरटीओ विभाग यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। वहीं पे ड्राइवरों में बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर भी आके मौजूद हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कल से लगने के बाद आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नजर नहीं आ रहा है। आइए जुड़ते हैं, किस समस्या की वजह से यहाँ पे जाम लगाया गया है, किस लिए यहाँ पे जाम लगाया गया है? समस्या यहाँ पे ये है कि गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक, अंडर लोड गाड़ियाँ हैं, ओवर माल नहीं जा रहा है, उसके बावजूद हजार रुपया एंट्री मांगते हैं, हजार रुपया से ज्यादा अब तो हजार, तीन हजार, चार हजार, पाँच हजार, कहीं ना कहीं यहाँ के आरटीओ द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। अरे आरटीओ यहाँ रहता ही नहीं है, वहाँ जाके इंजॉय करता है आरटीओ, यहाँ दलाल रहते हैं सारे, जबरदस्ती ड्राइवरों को गाली देंगे, धमकी देंगे, पैसा वसूलते हैं, आरटीओ रहता कहाँ यहाँ पे। एक समस्या जो आपकी है कि यहाँ पे पैसे कहीं ना कहीं आधिकारिक लोगों द्वारा पैसे वसूली ना कर, यहाँ रहता ही नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज से पहले किसी और के पास प्रभार था तो कभी इतना बड़ा जाम नहीं लगा था। आरटीओ का प्रभार जैसे ही नया अधिकारी आता है वैसे ही यहाँ पे जाम लग जाता है और यहाँ पे अवैध वसूली का भी काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। यहाँ पे किस लिए आप लोगों ने कल से जाम लगाया, क्या यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है? अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए हैं यहाँ पर, और आरटीओ बैरियर पर जो लोग भी यहाँ कार्य करने वाले थे अवैध वसूली वाले, वो लोग कल से ही फरार हो चुके हैं बैरियर अपना बंद करके। और एंट्री जो है मनमानी लोकल गाड़ियाँ से 4,000 रुपये प्रति वाहन और प्रतिमाह, और जो बाहरी गाड़ियां आती हैं जैसे ट्रेलर हुआ, जेसीबी हुआ। जाम आप लोगों ने कब से लगा रखा है? कल से हम लोग लगाए हैं 12 बजे से। कल दोपहर 12 बजे की रात? नहीं, दोपहर 12 बजे से। दोपहर 12 बजे से लगने के बाद भी अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी और कोई बात करने नहीं आया? कोई नहीं, कोई नहीं। आरटीओ महोदय, लोगों की क्या मांग है आरटीओ महोदय से? आरटीओ महोदय से मांग है कि हमारी गाड़ी अंडर लोड आती है और इस तरह की अवैध वसूली न हो, लेकिन उनका कहना है कि हम जो वसूली कर रहे हैं वो मामा तक ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पैसा जुड़ा हुआ है सीनियर टीम तक, सीनियर ऊपर से नीचे तक सारे लोग इस पैसे से लुत्फ उठाते हैं और सब लिप्त हैं इस पैसे से। और यहाँ पर 3 बैरियर स्थापित किए गए हैं जी, एक जयंत में, एक खनाना, एक मटवई जी, और करौटी भी है, माने 4 किलोमीटर के रेंज में 6 बैरियर लगाए गए हैं आरटीओ महोदय के द्वारा। और जब जब नए आरटीओ आते हैं तो इनकी अवैध वसूली बढ़ जाती है। तो पुराने जो आरटीओ थे कहीं ना कहीं उस आरटीओ से आप खुश थे? नहीं, उस आरटीओ से कोई खुश नहीं था, लेकिन वो तालमेल करके चलते थे तो इसलिए आदमी नहीं बोलता था। ये तो सीधे एंट्री रेट बढ़ा दिए हैं कि हम मामा की कुर्सी को बचाने आए हैं, हमें 6,000 रुपया प्रति वाहन चाहिए। परेशान है तो आप यहाँ पे? परेशान है। आप कौन है? हम ऊर्जांचल ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष है, अनपरा क्षेत्र से आए हुए हैं, और ये ड्राइवरों की पुकार रही तो हमने कहा कि भाई इनकी समस्या सुन। कहीं ना कहीं आप इन सब के समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं? के समर्थन में है तभी ना। चलिए आइए हम जुड़ते हैं ड्राइवर लोगों से जो यहाँ पे कहीं ना कहीं सफर करते होंगे और लोग मिलते होंगे, उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जो पैसा लूटा जा रहा है, लूट मचाई गई है, जो आरटीओ नजर भी कभी नहीं आए हैं उनके पास भी पैसा दिया जाता है, और कहीं ना कहीं यहाँ एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ का पैसा उठा के भोपाल तक भेजा जा रहा है। क्या सिंगरौली की जनता और सिंगरौली का पैसा नगर निगम के बाद अब भोपाल तक भेजा जाएगा? आइए हम जुड़ते हैं कि यहाँ पे भोपाल तक पैसा क्यों भेजा जा रहा है और किस प्रकार से वसूली होती है। आपका नाम? रामरूप सिंह पटेल जी। आप क्या करते हैं? हम ड्राइवर हैं जी। कौन सी गाड़ी नंबर है आपकी? MP 1971-50 जी। आपकी कितने बजे से कितने बजे तक गाड़ी चलती है और कौन कौन सी गाड़ी, कितने बजे आप लेके निकलते हैं गाड़ी? हम तो यहाँ से अब रात के भी आ सकते हैं, दिन में भी आ सकते हैं सर। किस प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ा? समस्या है कि 4,000 एंट्री, और एंट्री ना रहने पर कभी न रहा तो गाली भी मिलती है, और अभद्र भाषा का भी उपयोग यहाँ के पुलिस कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। जी 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 सर। तो आरटीओ विभाग कहीं ना कहीं इस तरह से लुप्त है पैसों के, कहीं देख सकते हैं आप पैसों के मार में इस तरह से लिप्त हो चुकी है कि पैसा न मिलने पे गरीब मजदूरों को मजलूम बना के पैसा लूटा जाता है। तो ये इनकी आवाज़ और इनकी गुहार कौन सुनेगा? देख सकते हैं कि ड्राइवर पूर्ण रूप से परेशान है, और ड्राइवरों का यहाँ तक कहना है कि सिर्फ ड्राइवरों को सरल पाया गया है किसी भी प्रकार से दंडित करके, अगर इनके ट्रांसपोर्टरों द्वारा उस चीज़ का पैसा न दिया जाए
जो इनके साथ अवैध वसूली आरटीओ द्वारा की जाती है, तो कहीं ना कहीं इनका तनख्वाह उसी पैसे में मामा जी के हाथों तक चला जाता है। और यहाँ जो आरटीओ भेजे जाते हैं, कहीं ना कहीं एक साथ तालमेल जोड़ के उस एरिया में, उस क्षेत्र में पैसा वसूली करने के लिए आरटीओ भेजा जाता है। आप यहाँ पे किस लिए हैं? हम भी ड्राइवर हैं जी। आपकी, आपसे भी अवैध वसूली की गई? हाँ जी। कितने तक वसूली की करते हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग तो अभी इस महीने में हमारा तीसरे चक्कर है, तो एंट्री कराए थे, हम नहीं कराए थे, सेटे करा दे थे जी, हम मना कर दे थे भैया हम तो यहाँ पे महीना भी फिक्स कर लिया जाता है। जी जी जी। अगर कोई पैसा देना ना चाहे और सही रूप से अगर गाड़ी चला रहा तो भी महीना दिया जाएगा? हाँ, महीना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे जो लोग हैं जी, अवैध अगर गाड़ी ना चलाएं या फिर ओवरलोडिंग ना रहे तो पैसा देने की जरूरत नहीं है? नहीं। जो अगर कानून के तहत रहेंगे तो आप पैसे क्यों देंगे? नहीं जी, जी, जी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी गलती रहती होगी, तब आप लोग पैसे देते हैं? नहीं, अंदर लोड की गाड़ी रहती है, अंदर लोड की गाड़ी रहती तो भी पैसा ले रहे हैं। हमारी गाड़ी अंडर लोड है जी, सब कागज ओके है जी, फिर भी हमारी जबरदस्ती फाइल छुड़ा के अंदर ले लिए हैं जी। और फाइल कल हम, नाम बता सकते हैं? हमारा नाम बसंत लाल के। नहीं, उनका जो आपसे फाइल छुड़ा है वो नाम हमको नहीं मालूम है। यहाँ साल भर में एक बार आए हैं, हमसे 4,000 रुपए एंट्री मांग रहे थे, तो हम एंट्री नहीं दिए, हम 500 रुपए दे रहे थे, बोले साहब 500 रुपए ले लीजिए, तो बोले कि नहीं 4,000 चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी गाड़ी को और गाड़ी में रखे माल को बचाने के लिए 500 रुपए देने के लिए आप स्वीकार कर लिए थे, उसके बाद भी उनको मोटा माल चाहिए था, मोटी रकम चाहिए, अवैध उनको चाहिए पैसा, वो 4,000 रुपए मांग रहे थे, इसीलिए वो हमारी फाइल जी। आप भी कुछ कहेंगे? आप लोग यहाँ पे पूरे रूप से खड़े हैं। कल 1,000 रुपये हम भी दे रहे थे यहाँ पे पैसा, बाकी ले नहीं रहे थे कोई, ठीक ना? इसके बाद फिर हम बात करें, इसके बाद फिर दिए पैसा ले लिए, फिर इसके बाद हम जुड़ेंगे ट्रांसपोर्टर जी से। क्या आप बता सकते हैं आंकड़न कि यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ आंकड़ों के हिसाब से होंगी और इन गाड़ियों में कितने का नुकसान हो सकता है हमारे राज्य का, देश का, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टरों का भी? यहाँ पर तो राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जी, और मोटर मालिकों का बहुत बड़ा दोहन भी हो रहा है। सबसे बड़ा तो ये कहा जाए कि आज कल से जो ट्रकों का पहिया थम गया है जी, और इससे तो राजस्व बन, यही आप सामने देख रहे हैं बैरियर जी, जी जी जी, वन विभाग का, इसका भी राजस्व का नुकसान ही है, डीजल पेट्रोल का ही देख रहे हैं नुकसान है। सबसे बड़ी क्षति मोटर मालिकों की है, जो कि मार्च का महीना है और गाड़ियां सब लाइन से लगी हुई हैं, और केवल हम लोग मार्च के नाम पर हम लोगों का दोहन किया जा रहा है पैसे से। अब बताइए, आज तक 97 से हमारी गाड़ियां चलती हैं, लेकिन 1 रुपया बैरियर पर एंट्री नहीं लगती थी, लेकिन इस बार कैसे सरकार बन गई है कि यहाँ पर 4,000 रुपए प्रति वाहन देना सबके लिए असमर्थ है, इसलिए पहले कितना लगता था, पहले की कुछ कीमत बता सकते हैं जो पहले पहले एंट्री हम लोगों की नहीं लगती थी? 500 रुपया इनको मिठाई खाने के नाम पर बैरियर पर जो कर्मचारी जो आरटीओ आते थे वो लेते थे, इसके पहले 500 रुपया मिठाई खाने के लिए। जैसे ही नए अधिकारी यहाँ पे आए, इसके पहले जो आरटीओ साहब आए हैं ये 6,000 रुपया प्रति वाहन ले रहे हैं एकदम खुलेआम। इनके लिए कोई दबाव नहीं? आप लोगों ने कहीं पे शिकायत? नहीं नहीं, हम लोगों ने इनको अल्टीमेटम भी पहले दिया था आज के 10 दिन पहले कि आप इसको मैनेज करिए या ऊपर बात करिए कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि भोपाल तक हमारा पैसा जाता है और मैं इसको रोकूंगा। तो क्या उनकी क्या मांग है, मतलब अगर पैसे न दिए जाए तो क्या वो क्या बोलते हैं कि गाड़ियां हमेशा के लिए खड़ी कर देंगे? या नहीं, गाड़ियों का बराबर गाड़ी खड़ी करते हैं, जब्ती बनाते हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं करते हैं, गाड़ी खड़ी कर देंगे। कितने दिन तक गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं? जब तक मालिक न आ जाए, जब तक इनको 10,000 रुपया न पकड़ाए, तब तक गाड़ी खड़ी करते हैं। कहीं ना कहीं घूस खाने का पूरा इंतजाम कर लिया जाता है और उसके बाद ही गाड़ी को यहाँ से छोड़ा जाता है। नहीं छोड़ने पर ड्राइवर की फाइल ले लेंगी। अब मान लीजिए कटनी आपको जाना है, भोपाल आपको जाना है, और खनाना बैरियर पर आपका दोहन हो जाए तो आगे कितने बैरियर पड़ेंगे जी? आगे कितने 15 से 20 बैरियर अगर पड़ते हैं। हाँ, तो अगर हर जगह 10,000 दिया जाए तो गाड़ियों में जितने का माल नहीं उससे ज्यादा का जेब से देना पड़ सकता है। के अनुसार और आप क्या मांग रखते हैं, क्या ये आरटीओ बदला जाना चाहिए या फिर यहाँ के ट्रांसपोर्टरों की सहायता पूर्ण रूप से ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठ के जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर हैं, देख सकते हैं कि सिंगरौली में कभी एसआर पावर प्लांट को कोई खरीदता है या खरीद बेच होती है, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टरों का लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टरों द्वारा हंगामा
अभी भी जारी है और उनके पैसों का कोई निराकरण नहीं किया गया है। वहीं पे अब दूसरा चक्का जाम जो सिंगरौली जिले में किया जा रहा है, आप सारे परिवहन को रोक कर, तो इसके में आप क्या कहेंगे, क्या आरटीओ को आप संदेश देंगे? हम आरटीओ को संदेश ये देना चाहते हैं कि महोदय ये एंट्री शब्द ही बंद कर दीजिए, यदि जिस ये बैरियर हटा दें, एंट्री शब्द ही बंद कर दें, जिससे कि हमारे दोहन को रोका जा सके। राज्य में हाईवे पर कोई बैरियर लगाने का प्रावधान नहीं है, ये जबरदस्ती बैरियर लगा के वसूली करते हैं। सिर्फ कोई राजस्व की वसूली होती तो हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन राजस्व की वसूली नहीं है, ये अपने पैसे के लिए ये जेब में जाता है। और ये कहते हैं कि ये ऊपर तक पैसा जाता है, कमिश्नर मंत्री तक ये पैसा जाता है, इसलिए हम लेंगे। सीधे शब्दों में ये दादागिरी से वसूलते हैं। आगे बने रहे, हम पल पल की खबर दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ पोल कोल न्यूज में, मोहम्मद अल्ताफ कैमरामैन नतीश के साथ, धन्यवाद। आपके शहर आपके बैठन में निरंतर 60 वर्षों से आपके सेवा में नयन सुख ऑप्टिकल। हमारे यहाँ सारे ब्रांडेड चश्मे का एकमात्र शोरूम है, साथ ही आंखों का चेकअप फ्री में कराएं। पाए ब्रांडेड चश्मे उचित दामों में, एकमात्र प्रतिष्ठान जहाँ पाए चश्मे की भरपूर वैरायटी। यहाँ आपको मिलने वाले हैं ब्रांडेड चश्मे, नजर चश्मे और बेहतरीन फ्रेम की कलेक्शन। अगर आप भी धूप का चश्मा या नजर का चश्मा बनवाना चाहते हैं तो नयन सुख ऑप्टिकल पर जरूर विजिट करें। हमारा पता है कॉलेज रोड बेलौजी बैठन मध्य प्रदेश, और दूसरा है नयन सुख ऑप्टिकल शोरूम शिवाजी कॉम्प्लेक्स बिंद नगर, दुकान नंबर 58। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 07805355408887869309। क्या आप भी बाहर की दवाइयों को लेकर रहते हैं परेशान? तो अब आपकी परेशानी हो गई है यूं खत्म। आज ही आए ज्योति मेडिकल स्टोर, जहां उपलब्ध है आयुर्वेदिक और सारी अंग्रेजी दवाइयां 10% की भारी छूट के साथ। साथ ही बड़े शहर जैसे बनारस, चेन्नई, जबलपुर और दिल्ली के साथ साथ NCL, नेहरू और NTPC की पर्चियों की दवाइयां भी आसानी से उपलब्ध हैं। अब घर बैठे कभी भी ऑर्डर करें और पाएं फ्री डिलीवरी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ज्योति मेडिकल स्टोर, UBI रोड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।